ओके सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट में आप रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्टों को कैसे आप रिटर्न करके आप उसमें रिफंड आप ले सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक 1 से 1% वर्किंग है। तो आपको इस वीडियो का पूरा आपको देखना है और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट को आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और रिटर्न करके अपना पैसा ले सकते हैं अपने बैंक में या अपने वैलेट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने फ्लिपकार्ट में। ठीक है, फ्लिपकार्ट में आपको क्लिक करके आपको जाना है फ्लिपकार्ट में, और फ्लिपकार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है 3 डॉट में, और जैसे ही 3 डॉट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है माई ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप माई ऑर्डर्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे ऑर्डर्स आपके दिख जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं जो ये रियलमी के बड्स हैं, ये एयर नियो, इसको हम रिप्लेसमेंट करके हम इसको रिटर्न करेंगे दोबारा में, और फिर हमारा रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करके आपको हम दिखा देते हैं कि इसकी पॉलिसीज की क्या है। ठीक है, इसमें रिफंड इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने फिर से मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली 7 दिन का रिप्लेसमेंट पॉलिसी। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रिफंड पॉलिसी नहीं है कि आप इसमें पैसे आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफंड लेने के लिए तो आपको यहाँ पर बैग जाना है। ठीक है, बैग जाने के बाद आपको क्या करना है, मैंने इसको एक बार मैंने इसको रिप्लेसमेंट करवा लिया है। ठीक है, आपके इसमें रिफंड का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके इसमें जो है रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें कोई भी आपको इसमें रीजन डाल के और कोई भी इसमें कमेंट डाल के आपको एक बार आपको सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट आपको करवा लेना है। ठीक है, रिप्लेसमेंट करवाने के बाद जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाए रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पास आ चुका है रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट रियलमी एयरबड्स नियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट में रियलमी बड्स एयर नियो में। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करना है इस रिटर्न वाले ऑप्शन में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीजन आपको सिलेक्ट करना है जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पर कर देता हूँ इस वाले रीजन को सिलेक्ट, द प्रोडक्ट रिसीव्ड इज डिफेक्टिव, आइटम इज नॉट चार्जिंग ड्यू टू बैटरी इशू। ठीक है, आप कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर आप ले सकते हैं रीजन। ठीक है, और यहाँ पर आपको कमेंट आपको लिख देना है। ठीक, कमेंट आपको लिख देना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है बैटरी परफॉर्मेंस बैकअप वेरी पुअर, आपको भी लिख देना है अपने हिसाब से। और इसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है इस कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली रिफंड का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस रिफंड वाले ऑप्शन में। जैसे ही रिफंड वाले ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ पर देखेगा पिकअप का डिलीवरी एड्रेस, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक। ठीक है, और अगर आपने ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट किया है तो ओरिजिनल पेमेंट में आपका आ जाएगा ये, और अगर आपने ऑफलाइन अगर आपने किया था पेमेंट तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा बैंक ऐड करने का, तो आपको वहाँ पर आपको बैंक ऐड आपको कर लेना है, तो आपके इसमें पैसा आ जाएगा उस बैंक अकाउंट में। ठीक है ना, तो मैंने इसको ऑनलाइन मैंने इसको पेमेंट मैंने इसका कर दिया था, तो यहाँ पर जो है ओरिजिनल पेमेंट मोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बैंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको कर देना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक। जैसे ही रिक्वेस्ट आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपका ये अप्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, 72 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा, और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद अगले दिन आपके इसमें डिलीवरी बॉय आएगा, और डिलीवरी बॉय जो है आपका प्रोडक्ट आपका ले जाएगा, और जैसे ही आपका प्रोडक्ट आपका ले जाता है उसके कुछ घंटे बाद आपके इसमें आपके बैंक में आपके पैसा आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।